हेलो एवरी वन, माई नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। वेल गाइज, ये द हिंदू है, 2 जुलाई 2018 मंडे का है ये। तो देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है, और ये जो है बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ मैं। तो मैंने दो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने डिसाइड किया है। एक तो ये आप देख रहे हैं कि 11 मेम्बर्स ऑफ फैमिली फाउंड डेड इन बुरारी, यानी कि बुरारी में जो 11 लोग थे एक ही परिवार के, वो मारे गए। एक ये न्यूज़ होगा, और एक आपका जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर, है एक छोटा सा न्यूज़ है यहाँ पर, लिखा है कि 48 किल्ड एज ओवरलोडेड बस फॉल्स इनटू गॉर्ज, यानी कि एक ओवरलोडेड जो बस है वो एक तंग घाटी में गिर गई, इसमें 48 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। तो इस पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इसमें हमेशा आपको मिलेगा। और इस तरह की न्यूज़ पढ़ने से आपका पास्ट और पैसिव ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए कि कैसे इसमें स्टोरी टेलिंग है और कैसे पैसिव का इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ लिखा है 11 मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी कि एक ही फैमिली के जो 11 लोग हैं, फाउंड डेड इन बुरारी, यानी कि बुरारी नामक कोई जगह है, उसमें एक ही परिवार के 11 लोग मारे गए। अब देखिए क्या है, आप बस सेंटेंसेस समझिए और देखिए कि कैसे स्टोरी टेलिंग आपकी हेल्प करेगा। यहाँ क्या लिखा है कि ओकल्ट रिचुअल मे हैव गॉन ऑराई से दिल्ली पुलिस। अब ये ओकल्ट रिचुअल क्या होता है, जो ओकल्ट आप देख रहे हो, ओकल्ट का मतलब होता है जो जादू टोना जो हम करते हैं, जादू टोना इस तरह की जो एक्टिविटी की जाती है उसे ओकल्ट रिचुअल कहा जाता है। रिचुअल मतलब एक तरीके से वो क्रियाकलाप है, रिचुअल मतलब कि वो एक तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो लोग एक मनाते हैं, वो जादू टोना का एक प्रक्रिया करते हैं, तो ओकल्ट रिचुअल है। अब लिखा है कि मे हैव गॉन ऑराई, ऑराई का मतलब होता है गलत, यानी कि खराब हो जाना, यानी कि जादू टोना का कुछ वो लोग एक्टिविटी कर रहे होंगे जो गलत हो गया होगा, गलत चला गया होगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। यहाँ लिखा हुआ है ये मे हैव गॉन क्या है, तो मे हैव का मैं एक यूज आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। गाइज देखिए, मे हैव, अगर आपको मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है कि ऐसा हुआ होगा। मान लीजिए मैं बोलूं कि राम मे हैव ब्रोकन दिस चेयर, ब्रोकन दिस चेयर, इसका मतलब है कि राम ने इस कुर्सी को तोड़ा होगा। तो मे हैव का मतलब है कि कोई काम जब हो चुका होता है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि फलाने ने किया होगा या ऐसा हुआ होगा, तो हम मे हैव का इस्तेमाल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। दोस्तों, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो ओकल्ट रिचुअल है, जो जादू टोना की एक्टिविटी वो लोग कर रहे होंगे, मे हैव गॉन ऑराई, वो गलत चला गया होगा, इस वजह से मौत हो गई। अब देखते हैं आगे, यहाँ लिखा है कि 11 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर फाउंड डेड। ये देखिए पैसिव है कि एक परिवार के 11 मेंबर, 11 सदस्य वर फाउंड डेड, उन्हें मृत पाया गया अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस मतलब कि बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में उन्हें पाया गया, मृत पाया गया, इन नॉर्थ दिल्लीज बुरारी, यानी कि नॉर्थ दिल्ली के बुरारी, ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह। यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस? और मैं बार बार कहता हूँ कि जब सेंटेंसेस जुड़े होते हैं तो कभी इन लगा होगा, कभी ऑन लगा होगा, कभी फॉर लगा होगा, इससे सेंटेंसेस जुड़े होते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के अनुसार एविडेंस फाउंड इन द हाउस। अभी इसका क्या मतलब है कि एविडेंस फाउंड इन द हाउस, इस तरह के सेंटेंस में बहुत ध्यान दीजिए कि एविडेंस मतलब जो सबूत, फाउंड इन द हाउस की वे सबूत जो घर में पाए गए, इस तरीके से लॉन्ग सेंटेंस ऐसे शॉर्टकट होते हैं कि एविडेंस फाउंड इन द हाउस, यानी कि जो सबूत जो घर में पाए गए, सजेस्ट्स
ऐसा सजेस्ट करता है दैट द फैमिली मे हैव बीन प्रैक्टिसिंग एन ऑकल्ट रिचुअल। तो वो जो घर में जो सबूत पाए गए हैं वो ऐसा दर्शाता है कि जो फैमिली है मे हैव बीन प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रही होगी एन ओकल्ट रिचुअल, यानी कि जो जादू टोना एक्टिविटीज़ की वो प्रैक्टिस कर रही होगी, दैट मे हैव गॉन और आई, और वो गलत चला गया होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं मे हैव बीन के साथ आई एन जी लगा है, इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। अब तक तो आपने मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा है, अब अगर आ जाए मे may have been और इसके साथ verb में आ जाए ing, तो इसका क्या मतलब होगा? अब इसका मतलब होगा अगर मैं बोलूं कि he may have been playing क्रिकेट यस्टरडे, अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ कि ही मे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, यानी कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो कल क्रिकेट खेल रहा होगा। पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि हो सकता है कि वह उससे लड़ रहा होगा, तो ही मे हैव बीन क्वारलिंग विद हर। हो सकता है कि वह नाच रहा होगा, तो ही मे हैव बीन डांसिंग। हम अंदाजा लगा रहे कि भाई ऐसा हो गया, तो हो सकता है ऐसा कर रहा हो। अगर मैं बोलूं कि यार कल वो बंदा छत से गिर गया, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, और पतंग का सीजन था, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है वो पतंग उड़ा रहा होगा इसलिए गिर गया। तो ही मे हैव बीन फ्लाइंग द काइट, तो मे हैव बीन के साथ आई एन जी लगे तो ऐसा कर रहा होगा, ये वाली फीलिंग आएगी फ्रेंड्स। ओके, अंदाज़ा लगाना है। तो यहाँ समझ में आ गया कि फैमिली मे हैव बीन प्रैक्टिसिंग एन ओकल्ट रिचुअल, हो सकता है जादू टोना कर रही होगी, दैट मे हैव गॉन और आई, और वो गलत हो गया होगा। अब यहाँ पर लिखा है वाइल 10 मेंबर्स वर फाउंड हैंगिंग फ्रॉम एन आयरन ग्रिल इन द कोर्टयार्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, द बॉडी ऑफ एन एल्डरली वुमेन वॉज फाउंड ऑन द फ्लोर इन द इन अनोदर रूम। यहाँ पर फुल स्टॉप है, आप देखिए यहाँ लिखा है जबकि 10 जो लोग थे, या वाइल जबकि की फीलिंग दे रहा है, जबकि जो 10 मेंबर्स थे वर फाउंड, उन्हें पाया गया हैंगिंग फ्रॉम एन आयरन ग्रिल, एक लोहे के ग्रिल से उन्हें लटका हुआ पाया गया इन द कोर्टयार्ड, यानी कि आंगन में, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहली फ्लोर के आंगन में ग्रिल से लटका हुआ उन्हें पाया गया 10 लोगों को। द बॉडी ऑफ एन एल्डरली वुमेन, जबकि जो बहुत ही जो उम्रदार औरत थी, इन एल्डरली वुमेन वॉज फाउंड ऑन द फ्लोर, उसे फ्लोर पे पाया गया इन अनोदर रूम, किसी और कमरे में। यहाँ तक क्लियर है? अब है दोज फाउंड हैंगिंग हैड देयर माउथ टेप्ड। अब इस तरह के सेंटेंस को समझिए, दोज यानी कि वे लोग फाउंड हैंगिंग, जिन्हें लटका हुआ पाया गया, इस तरह के सेंटेंस को देखिए कैसे शॉर्ट में होता है, करेक्ट होता है कि दोज हुवर फाउंड हैंगिंग। अब यहां पर दिया है दोज फाउंड हैंगिंग, वे लोग जो कि लटके हुए पाए गए थे, हैड देयर माउथ टेप्ड, उनके जो मुंह थे वो टेप्ड थे, यानी कि उस पर टेप लगा हुआ था, एंड देयर आईज कवर्ड, और उनकी जो आंखें थी वो कवर्ड थी विद क्लोथ पीसेज, कपड़े के टुकड़ों से। क्लियर है? अब है द टू माइनर चिल्ड्रंस हैंड्स, जो दो छोटे बच्चे थे उनके जो हाथ एंड फीट, उनके जो पैर थे, वर टाइट, वो भी बांधे गए थे, द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। देखते हैं द डेड इंक्लूडेड 4 मेल्स, यानी कि जो टोटल जो मरे हुए थे इंक्लूडेड 4 मेल्स, 4 उसमें से मेल थे मर्द, एंड 7 फीमेल्स, 7 औरतें थीं, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, एक ही परिवार से बिलोंग करते थे, एंड यूज टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, और इस तरह की जो स्पिरिचुअलिटी थी उसका वो प्रैक्टिस करते थे, उसका अभ्यास किया करते थे, ये जादू टोना है स्पिरिचुअलिटी, सेड एडिशनल डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ विनीत कुमार जी ने ऐसा कहा। अब लिखा है कि द डिसीज्ड का मतलब होता है जो मृतक होते हैं, मरे हुए को डिसीज्ड कहते हैं, द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड, जो मृतक थे उन्हें पहचाना गया एज नारायण देवी, जो 77 ईयर्स की थी, हर टू सन्स, उनके दो बेटे भवनेश
जो 50 साल के, एंड ललित जो कि 45 साल का था. हर डॉटर्स इन लॉ जो उनकी बहुए बहू थी, सविता जो कि 48 साल की, एंड टीना जो कि 42 साल की. हर ग्रैंड चिल्ड्रेन, प्रियंका 33 साल की, नीतू 25, मोनू 23 साल का, ध्रुव 15 साल का, एंड शिवम 15 साल का. द पुलिस सेड द फैमिली ओन्स अ प्लाईवुड शॉप. पुलिस ने कहा कि जो परिवार है ओन्स, ओन्स का इस्तेमाल है कि वो ऐसा करती है, उनके पास प्लाईवुड शॉप का एक बिजनेस है. बिसाइड्स अ ग्रोसरी स्टोर, बिसाइड्स या देख रहे, बिसाइड्स इसका मतलब है के अलावा, यानी कि एक राशन जो ग्रोसरी शॉप होते हैं ना, जहाँ राशन चावल आटा ये सब मिलता है, तो ग्रोसरी स्टोर कहते हैं उसके. मतलब ये भी है, प्लाईवुड का शॉप भी है और एक ग्रोसरी स्टोर भी है. तो बिसाइड्स का मतलब कि ग्रोसरी स्टोर के अलावा उनके पास एक प्लाईवुड की दुकान भी है. इन द बिल्डिंग वेयर दे स्टे, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग में उनके वो किराना की स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है. ऑन संडे मॉर्निंग, यानी कि संडे की सुबह, अ नेबर हु यूज टू परचेज मिल्क. अब यहाँ देख रहे हैं कि एक पड़ोसी, हु यूज टू का मतलब है कि किया करता था, हु यूज टू परचेज मिल्क, जो कि दूध खरीदा करता था, फ्रॉम देयर शॉप उनके दुकान से, एवरी डे हर रोज, एट 6 AM सुबह 6 बजे, फाउंड इट क्लोज्ड, उस उनको वो दुकान जो है वो क्लोज मिला, लॉक्ड मिला. अब है व्हेन ही वेंट टू इन्वेस्टिगेट, जब वो अंदर जांच पड़ताल के लिए गया, ही फाउंड, उसको उसने पाया, द बॉडीज, उनको पूरी बॉडीज मिली, उन्होंने सारे बॉडीज को देखा. ही रस्ट आउट, वो बाहर निकला, रेज्ड एन अलार्म, ये जो देख रहे हैं रेज्ड एन अलार्म, इसका मतलब था शोर मचाना, उसने शोर मचाया, लोगों को बताया, एंड इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को इन्फॉर्म किया. द हाउस वॉज नीदर रैनसैक्ड नॉर एनी आइटम इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स फाउंड डिस्टर्ब और मिसिंग. अभी देख रहे हैं द हाउस वॉज नीदर रैनसैक्ड, नीदर नॉर आपने कभी सुना होगा, ना तो घर को रैनसेक किया गया था. रैनसेक का मतलब कि सब कुछ जब लूट लेते हैं एकदम सफा चट कर देते हैं, सब खत्म, सब कुछ लूट लिया जाता है, तो ना तो लूटा हुआ था, नॉर एनी आइटम इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, ना कोई आइटम मिसिंग था, जैसे मोबाइल फोन हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी मिसिंग नहीं था. अब है द गोल्ड ज्वेलरी, जो सोने की जो ज्वेलरी थी, ऑन द बॉडीज, जो कि बॉडीज पर थी, ऑफ द फीमेल्स, वॉज फाउंड इंटैक्ट, यानी कि औरतों के शरीर पे जो भी सोने की ज्वेलरी थे वो भी इंटैक्ट थे. इंटैक्ट मतलब कि ठीक थे, सही सलामत थे, वो डैमेज नहीं थे, कहीं कुछ हुआ नहीं था, सेड मिस्टर कुमार, ऐसा मिस्टर कुमार जो पुलिस वाले उन्होंने कहा. अबे ड्यूरिंग अ सर्च, ड्यूरिंग का मतलब होता है दरमियान, उसके दौरान, तो सर्च के दौरान, ऑफ द हाउस, हाउस का जो पूरा सर्च हो रहा था उसके दौरान, सर्टेन हैंड रिटन नोट्स वर फाउंड, कुछ हाथों से लिखे हुए नोट्स प्राप्त किए गए, पॉइंटिंग टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ सम डेफिनेट स्पिरिचुअल मिस्टिकल प्रैक्टिसेस बाय द होल फैमिली, द पुलिस सेड. तो जो कुछ नोट्स पाए गए वो किधर पॉइंट कर रहे थे, किधर इशारा कर रहे थे, पॉइंटिंग टू द ऑब्जर्वेंस. ऑब्जर्वेंस मतलब क्या है कि उस तरह की जो आध्यात्मिक चीज़ें होती है उसकी तरफ, ऑफ सम डेफिनेट स्पिरिचुअल मिस्टिकल प्रैक्टिस, तो उस तरह की जो रहस्यमयी जो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस होती है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे कि उनका ये ऑब्जर्व करते थे, उनका अनुपालन करते थे, मानते थे, फॉलो करते थे बाय द होल फैमिली, पूरी फैमिली के द्वारा ऐसा होता था, द पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा. अब है द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मर्डर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पुलिस ने मर्डर केस रजिस्टर्ड कर लिया है, एंड द केस हैज़ बीन हैंडेड ओवर, हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, केस को हैंड ओवर कर दिया गया है टू द क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया गया है. तो दोस्तों इसके अंदर तो आपने देख लिया कि क्या हुआ फैमिली के साथ, अब एक और न्यूज़ है उसमें भी आपको स्टोरी और पैसिव तो मिलेगा ही मिलेगा, देखते हैं. ये है 48 किल्ड, यानी कि 48 लोग मारे गए, एज ओवरलोडेड बस, एकदम खचाखच भरा हुआ जो बस था, फॉल्स इनटू गॉर्ज, यानी कि गिर गया वो किसी घाटी में. अब देखिए क्या हुआ,
यहाँ भी लिखा है कि ये देख रहे हैं, एक्सीडेंट टुक प्लेस इन उत्तराखंड, ये जो घटना हुई कहाँ पर हुई, उत्तराखंड में। टुक प्लेस का मतलब आ जाए ना, टुक प्लेस यानी कि वहाँ पर घटाई, टेक प्लेस का सेकेंड फॉर्म है टुक प्लेस। अब देखिए लिखा है अ प्राइवेट बस फेल इन टू, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल है, पास्ट इंडेफिनिट है ये। अ प्राइवेट बस फेल इन टू अ डीप गॉर्ज, यानी कि बहुत ही गहरी घाटी में गिर गया, इन उत्तराखंड पौरी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड की जो पौरी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर गिरा, ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह। अब यह है किलिंग एटलीस्ट 48 पीपल एंड इंजरिंग 10 अदर्स, ये आईएनजी लगा है, मतलब मारते हुए, किलिंग एटलीस्ट 48 पीपल, 48 लोगों को मारता हुआ, एंड इंजरिंग 10 अदर, और 10 को घायल करता हुआ वो गिर गया, द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। द 28 सीटर बस, जो 28 सीटों वाला जो बस था, वॉज कैरिंग 58 पैसेंजर्स, वो 58 पैसेंजर्स को ढो रही थी, वॉज कैरिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं टोटल पास्ट टेंस तो मिलेगा मिलेगा गाइस। द एक्सीडेंट अकर्ड, अकर्ड मतलब होना, तो अकर का सेकेंड फॉर्म अकर्ड, पास्ट इंडेफिनिट है। द एक्सीडेंट अकर्ड, दुर्घटना हुई नियर ग्वीन विलेज, कोई ग्वीन विलेज है वहां पर हुई, क्लोज टू धुमकॉट, यानी कि कोई धुमकॉट जगह है वहां पर हुई, उसके पास में। वेन द बस ऑन वे टू रामनगर, कह रहे हैं कि वेन का मतलब है जब, जब बस जो कि रामनगर के रास्ते में थी, ऑन वे टू, ये बहुत यूज होता है आजकल, ऑन वे टू ऑफिस, ऑन वे होम, तो ऑन वे टू रामनगर, फेल इन टू अ 200 मीटर डीप गॉर्ज, जो कि गिर गई 200 मीटर जो गहरा एक घाटी थी उसमें गिर गई, किलिंग 45 persons, 45 लोगों को मारता हुआ, ऑन द स्पॉट, एकदम ऑन द स्पॉट 45 लोग मर गए, एंड लीविंग 13 इंजर्ड, और 13 जो है वो घायल हो गए। पौरी SP जगत राम जोशी टोल्ड PTI, जगत राम जोशी ने PTI को बताया ऑन द फोन। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, अगेन टुक प्लेस, टेक प्लेस का सेकेंड फॉर्म, जो एक्सीडेंट घटित हुआ अराउंड 8:30 AM, 8:30 बजे सुबह, द SP सेड, ऐसा SP ने कहा। थ्री मोर डाइड, तीन और मर गए ऑफ इंजरीज, मतलब अपने इंजरी के कारण तीन और मर गए। लेटर ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में, मतलब उसके कुछ देर बाद दिन में ही तीन लोग और मर गए, एट द PHC कोई हॉस्पिटल होगा यहाँ पर धुमकॉट, वेयर द इंजर्ड वर रस्ट आफ्टर रेस्क्यू टीम, जहाँ पर इंजर्ड लोगों को ले गया गया था, ले जाया गया था आफ्टर रेस्क्यू टीम्स, रेस्क्यू टीम के बाद, रस्ट आफ्टर रेस्क्यू टीम, जो रेस्क्यू टीम आई थी उसके बाद उन्हें वहाँ ले गए थे। रीच द स्पॉट, जब रेस्क्यू टीम स्पॉट पर पहुंची थी उसके बाद उन्हें इस हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर तीन लोग और मारे गए, मिस्टर जोशी सेड, ऐसा जोशी ने कहा। अब है टू क्रिटिकली इंजर्ड वर रेफर्ड टू रामनगर, पहले यहां तक देखते हैं। टू क्रिटिकली इंजर्ड, दो लोग जो कि बहुत बुरी तरह घायल थे, वर रेफर्ड, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, वर रेफर्ड, उन्हें रेफर किया गया कहां पर, टू रामनगर, वाइल, वाइल मतलब जबकि, जबकि 8 वर अंडर ट्रीटमेंट एट धुमकॉट, द SP सेड, जबकि 8 लोग उसी धुमकॉट में अंडर ट्रीटमेंट में थे, ऐसा SP ने कहा। अब देखते हैं यहां लिखा है दो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज नॉट येट नोन, अब देखिए यहां तक दो, ये दो और ऑल दो होता है, इसका मतलब हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यद्यपि लिखा होगा, बट आप ऐसे कह सकते हैं हालांकि, दो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज नॉट येट नोन, हालांकि जो एग्जैक्ट कारण था, जो मेन कारण था एक्सीडेंट का, वॉज नॉट येट नोन, अब तक पता नहीं चला है, चला था, बट द बस वॉज कैरिंग पैसेंजर्स मच बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, लेकिन जो बस है वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर लेके जा रहे थे, ये बात पता है, बट एग्जैक्ट कारण क्या एक्सीडेंट का ये पता नहीं है, ही सेड, ऐसा उसने कहा। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल, यानी कि एक ऑफिसर के द्वारा, ऑफिसर को ऑफिशियल भी कहा जाता है दोस्तों, द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल वॉज 28, यानी कि जो गाड़ी में बैठने की जो कैपेसिटी थी 28 लोगों की थी और 58 लोग जा रहे थे। तो बस गाइस, तो आपने देखा जो बिगनर्स हैं कि इस तरह के न्यूज़ आप जब रोज पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एक एक डेली रूटीन बना लीजिए, तो आपका स्टोरी टेलिंग, पैसिव, पास्ट सब ओके हो जाएगा। एक बार जब ओके हो जाए तो आप फिर जो पॉलिटिकल न्यूज है वो पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए। तो बस गाइज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग
and have fun. Thank you guys.